गया, लोग अब बच गए हैं, अब उनका कुछ नहीं कर सकते कि मैं ऑलरेडी 4-5 मिनट लेट कर दिया उनके लिए। ठीक है, माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। यस सर। ओके गुड। हेलो विकास दीक्षित भाई, आप पहली बार आए हैं तो कुछ रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आप माइक ऑन कर सकते हैं, बशर्ते आपके माइक से नॉइज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नॉइज तो माइक ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइज, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। टुडे वी ऑल गोइंग टू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। पहले तो मैं अपने क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूँ। दिस इज द बेस्ट क्रैश कोर्स फॉर AMU BTech एंड BSC। यहाँ पे BTech, BSC और जामिया BSC के लिए भी प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर कोई मेरी वीडियोस को रिकॉर्डिंग देख रहा है तो CUCET की प्रिपरेशन के लिए भी देख सकता है। 3 महीने में कोर्स कम्प्लीट, मोस्ट प्रॉब्ली कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 to 5 PM वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन क्रैश कोर्स फॉर AMU BTech और मात्र 1,999 रुपए में। और अगर आप प्राइम बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्राइम बैच भी अवेलेबल है, फीस है 8K। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम में कहां तक हुआ था गाइस? आज का जो टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम में क्या देखा था? रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ देखा था ना मैंने, हम लोगों ने बेसिकली रेजिस्टेंस वाला देखा था। ठीक है, ओम्स लॉ पे हमने क्वेश्चन नहीं करे थे, हम आज करेंगे। और रेजिस्टेंस का जो दूसरा टॉपिक था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और कितना डिपेंड करता है, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है गाइस, बाकी इसके बाद जो होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीखने के बाद हम KVL KCL सीखेंगे। KVL KCL में पकड़ हो जाने के बाद नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन करना सीखेंगे। नोडल एनालिसिस बहुत ही इजी वे होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद हम बैटरी का जो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी देख लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी देखने के बाद इंस्ट्रूमेंट देख लेंगे, और इस तरीके से हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है लगभग इसी हफ्ते में सैटरडे टू संडे तक मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा अगर आप लोग स्पीड में चले तो। लेकिन अभी मेरी स्पीड स्लो है, पर कोई नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं तो स्लो करके चलना पड़ रहा है। हम लोग फर्दर स्पीड इंक्रीज करेंगे, सो डोंट वरी, वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस ऑन टाइम। सो हम लोग ने लास्ट में देखा था करंट, क्या देखा था? करंट के बारे में पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। सबका फार्मूला याद होगा, है ना? याद है कि नहीं है? Yes, sir. Okay. Resistance किस पे डिपेंड करता है, हमने फार्मूला देखा था R इज़ इक्वल टू व्हाट, रो एल बाई ए। लंबा अगर वायर हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटा वायर हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन करा था कि अगर कोई हमारे पास कोई वाइड है, अलग अलग मतलब अलग अलग सरफेस के क्रॉस अगर हम करंट क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, तो अलग अलग अगर सरफेस के क्रॉस करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा एक ही सबस्टेंस के लिए। अगर हमने करंट की डायरेक्शन बदल दी तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ये हमने देखा था ना। हम एल कैसे डिफाइन करते हैं? एल जो होता है किसके अक्रॉस होता है, करंट के डायरेक्शन के अक्रॉस की लेंथ होती है ना, डायमेंशन अक्रॉस द करंट डायरेक्शन होता है ना। और ए क्या होता है? ए जो होता है, ए होता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस बात का हमने ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को करा था। इस टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। AMU में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आगे बढ़ते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, सो लेट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन बस लास्ट का रिकैप करने के लिए मैं आपको देता हूँ, फिर हम ओम्स लॉ की तरफ फर्द। हाँ, आपने जो होमवर्क दिया था उसको एक बार, हाँ मैं लास्ट में डिस्कस कर लेंगे होमवर्क। ठीक है, चलिए, हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा था और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा जो कि आया हुआ है। पहला क्वेश्चन, हेलो विकास भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? विकास दीक्षित,
जी सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ विकास, रिस्पॉन्ड करते रहिए आप, क्योंकि रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि आप मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप आज की फर्स्ट क्लास है आपकी, हो सकता है कि कुछ चीजें आपको थोड़ा सा मेथड हमारा सही ना लगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि अजीब लगे, क्योंकि एक क्लास में तो मतलब कनेक्ट होने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर कोई नहीं, ठीक है। एक वायर है जो कि हॉलो है, मतलब हॉलो सिलेंडर है बेसिकली, जिसकी लेंथ दी गई है एल है, इनर रेडियस ए है। इनर रेडियस जो है, मान लीजिए इसकी इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस जो है दैट इज बी, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी दी गई है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड फाइंड द रेजिस्टेंस इफ करंट फ्लो अक्रॉस ए बी, फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस, छोटा नहीं ना लिख रहा हूं, सबको दिख रहा है ना फोन में, तुम लोग देख रहे हो तो। ए बी के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए जल्दी से सॉल्यूशन बताइए, बस रिकैप करने के लिए सवाल था, बाकी तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई लोग, बताइए इसी सवाल को ना मैं थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर देता, ऐसा कर देता तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि हम जेई की क्लास नहीं ले रहे हैं अभी, हमें 3 महीने में सिर्फ एएमयू क्रैक करना है। हाँ, पर इस क्लास से आप जेई मेंस में अच्छा कर सकते, इसको थोड़ा सा टीना करता और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस पूछता तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। इंटीग्रेशन से करना पड़ता है, पर छोड़िए सर, ठीक है। हम इस, हाँ बताइए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, प्रिया ने बोला रो एल अपॉन पाई पाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितने लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, ले लीजिए सर, अरे ब्रैकेट नहीं है भाई। हाँ बताइए क्या ब्रैकेट नहीं है, बोलिए। एक्चुअली लैग हो गया था ना, मुझे देखा नहीं, नहीं सर एक्चुअली लैग हो गया था तो मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, होता है कभी कभी। हाँ भाई, कितने लोग प्रिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने बोला की रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इतना है, ये प्रिया का आंसर है भाई। कशिश बताओ, तुम बताओ, कशिश, विकास भाई, अभिषेक भाई, विकास दीक्षित, आपने ये तो पढ़ा होगा ना बेसिक सा। हाँ सर पढ़ा तो था, भूल गए इसे। हाँ अभिषेक तुम बताओ, कशिश, अच्छा विकास भाई आप रिस्पॉन्ड करिएगा, ठीक है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है रेजिस्टेंस का, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, जब भी हमें किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हमारे इज इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़े है ना, ऐसा पढ़ा होगा आपने फार्मूला पढ़ा है। विकास दीक्षित प्लीज रिस्पॉन्ड, पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने वहां पे बताया हुआ है, और बाकी सब जानते हैं ये फार्मूला, कोई बात नहीं। हमें रो दे दिया गया है, एल क्या होता है, एल जो होता है जिसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है वाली लंबाई, तो हमें ए से लेके बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, ए से बी का अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो लंबाई कितनी है, एल ही है, तो मैंने एल लिख दिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है जिसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है ना, उसके परपेंडिकुलर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसके परपेंडिकुलर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया यही हो जाएगा ना, ये मैं जिसको रंग दे रहा हूँ, रंग दे रहा हूँ तो यही वाला हो जाएगा जो मैं रंग रहा हूँ, यही वाला हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको अगर आप ऐसे देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा इसका सीनेरियो, ये वाला ऐसा क्या होगा, ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर को कैसे निकालते हैं, पहले इसका पूरा एरिया निकाल दीजिए, पूरा एरिया निकाल दीजिए, फिर अंदर वाले का घटा दीजिए, तो पूरा एरिया क्या होगा, इस बड़े वाले का पूरा एरिया क्या होगा, पाई उसका रेडियस, इस सर्कल का, सर्कल ही तो बन रहा है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज पाई बी स्क्वायर माइनस, छोटे वाले का एरिया घटा दीजिएगा तो ये वाला मिल जाएगा बाहर वाला, पाई ए स्क्वायर, दिस इज व्हाट, रो एल अपॉन पाई b square minus a square, this is simple answer, ये बताइए समझ में आया, विकास दीक्षित, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं था, नहीं सर इजी था, हाँ इजी था। अभिषेक तुमको क्यों नहीं आया,
कशिश तुमको क्यों नहीं आए बताओ पहले तुम लोग। अभिषेक कशिश क्या कर रहे हो तुम दोनों? व्हाट आर यू डूइंग? सर आ गया, यही था आंसर। यही था तो आंसर बोल सर। मैं बोली थी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे ओके नहीं बोल दिया करो कि हाँ सर यही मेरा आंसर है। जब भी आंसर आए तो उससे मुझे थोड़ा मनोबल मिलता है कि बच्चे हमारे सवाल को हल कर पा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जेई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। जेई मेंस के एक सवाल को लेते हैं और इसको एनालाइज करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग कर सकते हो। बस मैं यहाँ से एक मेथड बताऊंगा, एक चीज तुम्हें बताना चाहूंगा और तुम लोग इसको ना आगे भी अप्लाई करना, ठीक है। फिर हम टेम्परेचर पे जाएंगे। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, आज मैं इसकी डीपीपी दे दूंगा, ठीक है। तो आज आप लोग रेजिस्टेंस के सारे सवालों को हल करके आइएगा। स्ट्रेस्ड, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ। ये पहला सवाल है। जेमिन्स का नहीं है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ फोर टाइम ऑफ इनिशियल। देन फाइंड द फाइनल रेजिस्टेंस। बेसिक सवाल है। देन फाइंड फाइनल रेजिस्टेंस। बेसिक सवाल है। अरे क्वेश्चन नंबर दो जो जेई का है इसको देखते हैं। पहला सवाल सभी लोग हल करें। इस समझ में आ रहा है ना? स्ट्रेच, लेंथ को स्ट्रेच किया गया है, ठीक है। पहला सवाल कितने लोगों समझ रहा है, समझ में आ रहा है? कशिश पहला सवाल पढ़ो। विकास दीक्षित, आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इतना पता है। हाँ, बढ़ जाएगा ये तो बिल्कुल, क्योंकि लंबा वायर करें आप, अगर आप वायर को लंबा करिएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर वायर को आप पतला भी करिएगा तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा, फार्मूला लगा के निकालिए। कौन सा फार्मूला है? आर बराबर रो एल बाई ए। इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसा नहीं बेकार फार्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। So, 16 ohm or 60R, 16R ohm. 16R, sir, 16R, yes sir. Good. आंसर बताया, प्लस कशिश ने आंसर बताया। अभिषेक भाई कहाँ है? अभिषेक भाई, यस सर। हाँ बताइए, आप भी आंसर बताइए। बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक। अभी आप ही लोग की वजह से स्पीड धीरे है, ठीक है। आप लोग अच्छा करिएगा तो स्पीड जल्दी से बढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है, तो थोड़ा सा स्पीड अच्छा करिए, बाकी टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा सारा कुछ। नहीं समझ में आ रहा, सॉरी। नहीं समझ, अरे ये कल क्वेश्चन नहीं करे थे आप, देखिए कल वाला क्वेश्चन, कल वाला ध्यान से लीजिए। मैंने बोला था कि वो तो दूसरा क्वेश्चन था, जैसे सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, व्हाट विल इट्स रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, व्हाट विल इट्स रेजिस्टेंस इफ इट स्ट्रेच टू डबल ऑफ लेंथ। आपने क्या किया था, आर आर
आर रेजिस्टेंस का एक वायर था उसको आपने खींच के दुगना कर दिया था तो कितना रेजिस्टेंस हो गया, तो आपने निकाला भी था। सेम क्वेश्चन, मैं बस रिकैप के लिए इस क्वेश्चन को दिया हूँ और आज आप कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, आप रिवाइज नहीं करते हैं। चलिए हम कर रहे हैं, चलिए आइए अभिषेक बोलो, तुम जितना क्वेश्चन है ना बोल लो पहले। पहले क्या है, एक रेजिस्टेंस क्या है, एक रेजिस्टेंस है मान लिया एक वायर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है आर है। मैंने अपने मन से मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, एल है, इस एल है, ठीक बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रो एल बाई ए लिखोगे कि नहीं लिखोगे ये बताओ पहले, तुम लिखोगे? यस सर। ये फार्मूला भी नहीं याद है तुम्हें? याद है। थोड़ा ध्यान सुनना, मैं डायरेक्ट तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम कह सकते हो कि अगर मैं बोलूं r is equal to rho by rho l by a, तो r को अगर मैं l से यहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं इसको कह सकता हूं rho l, और a into l क्या होता है, एरिया into लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये बताओ। अब मैं कल सिखाया था कि अगर मैं किसी वायर को स्ट्रेच करूंगा तो भी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आप लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा और एरिया बढ़ाएंगे तो लेंथ घटेगा, तो इसका वॉल्यूम और इस सेम होगा। ये सिखाया था ना, और प्रूफ भी करके बताया था डेंसिटी से, क्योंकि मास तो सेम रहना है ना। तो थोड़ा ध्यान से सुनो, ए भी कॉन्स्टेंट, सॉरी ये रो है, ए भी कॉन्स्टेंट है और ए भी कॉन्स्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ध्यान से बताओ, आर कह सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने लेंथ कितना कर दिया, लेंथ को चार गुना कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभिषेक कहाँ गया भाई, ये बात नहीं समझ में आया? अगर आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, अपन ने रेजिस्टेंस अपने एल को क्या कर दिया, चार गुना कर दिया, तो आर कितना हो जाएगा, चार का स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्योंकि ओ एल की स्क्वायर है। सिंपल बात, बेसिक सवाल था ए वाला, करिए जेई का क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है, बेसिक से भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ना कैलकुलेटिव होगा। अब इसमें जब थोड़ा सा चेंज रहता है ना, थोड़ा सा मतलब बोल रहा है कि 2% का चेंज है, मतलब आर कितना बड़ा है, मतलब लेंथ कितना बड़ा है, लेंथ में कितने परसेंट का चेंज है, 2% का चेंज है, तो लेंथ कितना बड़ा है, 0.02 बड़ा है, अरे यही बड़ा है ना। देखो तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ। हाँ जी, मेरा आंसर है 2601/25008 ठीक है, भाग देके बताइए, डिवाइड करिए उसके बाद बताइए, और माइक ऑफ कर लीजिए, आपका फैन आवाज कर रहा है। हाँ विकास दीक्षित, आप इस क्वेश्चन को, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। विकास भाई अच्छे से आए, ठीक है, यस सर, इस क्वेश्चन को करिए। हाँ इस जेई वाले क्वेश्चन को करिए। ऐसे आप नॉर्मल तरीके से करेंगे ना तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, रुकिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैलकुलेटिव ऐसे होगा कि अपने को पता है आर इज इक्वल टू क्या, रो एल वाई ए, ऐसा होता है। अब हमको पता है आपने लेंथ कितना बढ़ा दिया, 2% बढ़ा दिया, तो इनिशियली लेंथ इतना था और बाद में आपने लेंथ कितना बढ़ाया, मतलब आप बाद कितना बढ़ाया बताइए, एल प्लस एल का 2% यही बढ़ाया, तो एल इंटू 1.02 ऐसा हो गया फाइनल लेंथ, ऐसा हो गया ना, बताइए भाई सर। यस, मेरा आंसर 1.04 आ रहा है। हाँ सही आंसर, सही है, आपने इसी मेथड से करा जिससे मैं कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको एक बढ़िया मेथड बताऊंगा इससे भी ज्यादा बढ़िया। तो आप ऐसे फाइनल लेंथ आपका ये हो गया, ये हो गया ना, तो आपको पता है कि जो आपका आर होता है रो एल बाई ए होता है,
आप फिर से एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, रो एल स्क्वायर बाई वी, ये दोनों तो कॉन्स्टेंट है ना, तो आप क्या कहेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर कहेंगे। तो अब मैं लिख सकता हूँ आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एन इनिशियल का स्क्वायर अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर, एल फाइनल कितना है एल इंटू वन प्लस 1.02, ऐसा है, ऐसा कह सकता हूँ। इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा आंसर क्या है, इसकी वैल्यू आर वन तो आर है और अपने को आर टू निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को काट दिया, वन अपॉन 1.02 का होल स्क्वायर, तो ये आर टू आ गया, आर टू इक्वल टू कितना आ गया 1.02 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कितना आर आ गया, बताइए सर। अभी इसका स्क्वायर निकाल के करिए आंसर आ जाएगा, करिए करिए स्क्वायर करिए। हेलो हेलो यस सर आ रहा है आंसर, अभी तो नहीं आया कोई मैसेज ना, उसको पैसा दे दियो क्या, पैसा दे दियो क्या अशोक को, हाँ जी ये समझ में आया, पैसा आ गया बाबू, पैसा आ गया, पैसा आ गया, ठीक है ओके। हेलो एम आई ऑडिबल, यस सर। हाँ तो एक क्वेश्चन सॉल्व करे होगे तो क्या आएगा, 1.02 का स्क्वायर करे हो तो क्या आएगा 0.04 के आसपास आएगा, करके देखो क्या आ रहा है, जो भी है ये मेथड समझ में आया, मेथड नंबर फर्स्ट था, मेथड नंबर फर्स्ट था विकास था सर। हाँ जी एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, वो एक्सप्लेन क्या करना है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, अभी यहां से दिखाया ये नहीं समझ में आया, हाँ हो गया ठीक है, बाकी कोई है जिसे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, रहने दीजिए सर एक्सप्लेन करने के लिए, ग्रुप पे जाओ यार दूसरे लोग से पूछ लेने को, बाकी कोई है जिसे सब क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, विकास यादव यार तुम तो क्लास में आते हो चले जाते हो, क्या क्या करते हो तुम भाई, विकास दीक्षित आप क्लियर है सर, क्लियर है ना, ठीक है अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, हाँ दूसरा मेथड बता रहा हूँ और उस मेथड को यहीं से सीख लीजिएगा, क्योंकि आगे के बड़े अच्छे क्वेश्चन जब बनते हैं तो ये वाला मेथड नहीं लगता है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है, इसमें तो फिर भी कैलकुलेशन बहुत सिंपल था, तो मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड, ध्यान सुनिएगा, उसको कहते हैं डिफरेंशियल मेथड, और ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड तब लगाते हैं जब अपना डिफरेंशिएशन मेथड तब लगाते हैं जब चेंज चेंज जो होता है ना छोटा होता है, और मैं थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज करूंगा, डिफरेंशियल मेथड तब कब लगाते हैं जब चेंज कितना हो, चेंज कितना हो कब लगाएंगे जब चेंज स्मॉल हो, और पता है जेईई के क्वेश्चन में तो इस चेंज स्मॉल ही चेंज देते हैं, लेकिन चलिए हम यहां करते हैं एक बार, हमको पता है कि आर जो होता है रो वी बाई स्क्वायर होता है, इसमें किसी को दिक्कत, बोलिए भाई नहीं दिक्कत है, तो अब मैं हाँ तो मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट कर दूँ इसको, मतलब सबको डिफरेंशिएट कर दूँ, पहले लॉग ले लूँ और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दूँ, पहले लॉग ले लूँ उसके बाद डिफरेंशिएट कर दूँ, तो इसका लॉग लीजिए, तो लॉग लेंगे तो बोलेंगे एल एन आर इज इक्वल टू
ln rho by v plus 2 ln l. इसमें किसी को दिक्कत, मैंने log लिया, log की प्रॉपर्टी लगा दी. log तो आता होगा सबको, नहीं आता होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया, YouTube पे भी डाला है, ठीक है, अभी लेटेस्ट है वो, जिसमें सारी log की प्रॉपर्टी मैंने वो बताई हुई है, तो देख लेना. log की प्रॉपर्टी आती है ना अभिषेक? यस सर. मैंने log, मैंने दोनों तरफ log लिया, और log a into b क्या होगा, log a plus log 2. अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा, log r का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 by r dr is equal to, अभी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 plus 2. ln l का क्या होता है, 1 by l dl, ठीक है, ये समझ में आया? तो मैं लिख सकता हूं dr upon r is equal to what, 2 by l dl. इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, बोलो बोलो, दिक्कत है? अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग, सबसे बेकार चीज लगता है. हाँ तो बोल, बोला करो, ठीक है. dr मतलब क्या, चेंज, dr मतलब चेंज ही कहेंगे ना अपन लोग. dr क्या होता है, dr हो गया या डेल्टा r हो गया, चेंज होता है. मैं डिफरेंशिएशन जब भी स्टार्ट किया था तो पहले ही बताया था कि जब भी डिफरेंशिएशन लगाते हैं मतलब रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं. तो ये dr को लिख लीजिए, डेल r मतलब क्या, r final minus r initial, r final minus r initial, r initial की वैल्यू क्या थी, r थी अपॉन में r is equal to what, 2 by l, dl मतलब क्या, चेंज, कितना चेंज हुआ है l में, तो इसको क्या लिख ली, कितना चेंज हुआ है बताइए. हेलो, l का 2%, अरे इतना ही चेंज हुआ है ना, l का 2% चेंज हुआ है, 2% चेंज हुआ है ना भाई, 2%. L का कितना परसेंट, तो L का मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसका 2%. L से L को उड़ाइए. अब देखिए यहां से आंसर क्या आ रहा है, यहां से बहुत आराम से आंसर आ गया कि R final minus R is equal to ये कितना, 4/100 into R into R. अब ये R final is equal to हो जाएगा, इस R को इधर भेज दीजिए, R plus ये क्या हो गया, 0.04 R. तो ये हो गया, क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, R is equal to, R common कर लीजिए, 1.004. सिंपल, इतना ओम हो गया. एक A differential वाला method कितने लोगों को समझ में आया, इसमें खास चीजें होती है ना, calculation नहीं करना पड़ता है. मैं तो कहूंगा अगर JEE वगैरह देना है तो differential वाला method सीख लो, पक्का एक दो क्वेश्चन तो इस पे आ ही जाता है कि वो बोल देगा कि मतलब किसी में भी चेंज बोलेगा. जब मैं थर्मो भी पढ़ाऊंगा तो जब छोटा चेंज रहेगा तो मैं इसी से करूंगा. ये बात समझ में आई सबको? यस सर. यस सर. ये मेथड अच्छा मेथड कहलाता है. विकास दीक्षित आप नए हैं, बताइए एक बार, एक बार और. प्रिया बताओ, तुम समझ में आया क्वेश्चन? मैं अभी नए पेज पे बताता हूँ उसको, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स का पार्ट है. प्रिया तुम्हें समझ में आया? यस सर. ठीक है, देखिए विकास भाई मैं एक बार फिर से बताता हूँ और मैं नए पेज पे बताता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है. और विकास भाई जो सब्सक्राइब लिख रहा है ना मेरे यूट्यूब चैनल को, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है. आर इज इक्वल टू, विकास भाई यूट्यूब चैनल का नाम पता है मेरे? नहीं सर, नहीं पता. आर इज, अच्छा. अभी मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब चैनल कौन सा है, ठीक है. पहले लॉग लीजिए आप, लॉग लीजिए, एल एन आर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे एल एन रो बाई वी, और उसके बाद प्लस एल एन का एल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अभी कॉन्स्टेंट टर्म है, पहले मैं डिफ्रेंशिएशन लगाता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ. तो पहले डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, log r को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो 1 by r dr लिखूंगा is equal to a log ln rho by v. क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन जीरो होता है, d upon dx of constant term is equal to zero, ये बात आपको आती है ना, ठीक है, ये जीरो कर दीजिए, प्लस log इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले तो प्रॉपर्टी की वजह से log x की पावर n का जो प्रॉपर्टी है, जब भी लॉग किसी के अंदर वाले के पावर को जब भी लॉग लेते हैं तो बाहर आ जाता है, तो n log x हो जाता है. मतलब लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर को बाहर लाता है, आपने सीखा होगा बचपन में, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, यहीं से रट लीजिए.
अब आ गया आपको, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा, ये तो हो गया 1 बाई आर डी आर, और इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये होगा 2 लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एल डी एल, ठीक है। दिस इज डिफ्रेंशिएशन। अगर कैलकुलस थोड़ा कमजोर होगा ना, तो अभी क्या है भाई के साथ हर संडे को क्लास रहता है कैलकुलस वगैरह का या बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का, तो यू कैन ज्वाइन। अभी है गया 1 बाई आर डी आर, डी आर को लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू 2 बाई एल। डी एल को आप क्या लिख सकते हैं ये बताइए, डी एल को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एल। डी एल मतलब क्या, चेंज इन एल, तो कितना चेंज हुआ है, एल का 2% चेंज हुआ है, 2% ऐसे ही लिखते हैं ना। अरे x का मैं कहूँ, x का 5% क्या है, x का 5/100, मैं कहूँ 100 रुपए है, 100 रुपए उसका 5% क्या है, तो कहिएगा 100 का 5/100 तो 5 रुपए, तो आपको भी पता है कि 100 रुपया का 5% 5 रुपया होता है, तो मैं कहूँ l का 2% क्या होगा, तो l का 2/100 खत्म। 1% वाला मामला बेसिक आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे ही सीख लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ, बस इतना ही काम आता है। l से l उड़ा दीजिए, 1 बाई आर, आर फाइनल की जो बात है, आर फाइनल मैंने, मुझे नहीं पता आर फाइनल, लेकिन आर इनिशियल दिया हुआ है कि आर है, और इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, 4/100, आर का मल्टीप्लाई उधर करिए तो आर एफ इज इक्वल टू आर 4/100 प्लस आर हो जाएगा। अब आर एफ की वैल्यू आ गई, आर एफ कितना हो जाएगा, आर और क्या हो जाएगा 1 + 0.04, दैट इज आर 1.04। अब मत कहिएगा कि नहीं समझ में आया, पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया। विकास दीक्षित प्लीज रिस्पॉन्ड मी, चले गए क्या है, हाँ विकास दीक्षित, विकास यादव, अभिषेक, प्रिया, कशिश, ओके बस 3 लोग बचे, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। अगर जिसे नहीं समझ में आओ प्लीज रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। विकास यादव तो चले गए, विकास दीक्षित भी साइज चले ही गए होंगे, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, फर्दर मूव करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका क्विज में आज आपको सुबह में दूंगा, देखता हूँ कितने लोग आंसर सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, पहले तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए हमको पता है कि अभी क्या होता है ना, टेम्परेचर आप रहिएगा, हाँ जी हाँ भी कर बताइए, आप हैं, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको, बेस्ट मेथड, क्योंकि इसका हम इस मेथड का हम बहुत बार यूज करेंगे, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, या हम बहुत जगह पे यूज करते हैं इस मेथड को, तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैथमेटिकल टूल है, एक तरीके समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपने इधर में भी देखा होगा। चलिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। तो अभी देखिए बात ऐसा होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अभी क्या करते हैं मूव करते हैं, तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो अदर भी मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका वाइब्रेशन बढ़ने लगता है, तो उनका वाइब्रेशन जो बढ़ने लगता है, तो जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इनके मार्ग में रुकावट आने लगेगा, तो इनका जो रेट ऑफ फ्लो है ना वो कम हो जाएगा, इनका रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा, तो जिसके वजह से मतलब रुकावट होने लगा, तो जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि इनका रेजिस्टेंस बढ़ गया, पहले कम रुकावट थी, अब क्या हुआ है टेम्परेचर बढ़ाए तो जितने मॉलिक्यूल हैं वाइब्रेट कर रहे हैं, अब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो इनका उनके साथ क्या हो जा रहा है, कोलूजन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है, प्रायिकता इस बात का बढ़ जा रहा है कि इसका और मॉलिक्यूल का कोलूजन ज्यादा होगा, तो
एक एक मुश्किल खड़ा कर रहा है करंट को बहने में, जिसकी वजह से करंट कम हो जा रही है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे अगर ये हम कंडक्टर में अगर देखेंगे ना, कंडक्टर में तो हम तो देखेंगे कि जैसे ही आपने रेजिस्टेंस बढ़ा, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। लेकिन सेम चीज जो है ना सेमी कंडक्टर में थोड़ा उल्टा है। जैसे मान लीजिए आपने लिया सिलिकन या जर्मेनियम, सेमी कंडक्टर का नाम तो मैंने बताया ही था, सेमी कंडक्टर क्या होता है बताओ कशिश, व्हाट इज सेमी कंडक्टर? यार सबके सब सुबह सुबह हो जाते हैं क्या, किसी को बोलने का मन नहीं करता है। अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि इसमें जो चार्ज करियर होता है ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, चार्ज करियर मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन मानिए, तो चार्ज करियर जो होते हैं थोड़े कम होते हैं, थोड़े क्या बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि करंट फ्लो करना रूम टेम्परेचर पर मुश्किल होता है, मतलब मान लीजिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब जैसे जैसे क्या होता है ना, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इनका बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो इनके इनके मॉलिक्यूल वाइब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी बॉन्डिंग टूट रही है और इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ज्यादा फ्री हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, जिसके वजह से करंट ज्यादा बढ़ रही है, तो करंट ज्यादा बह रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेमी कंडक्टर में आप क्या करिएगा ना, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो करंट ज्यादा बहने लगेगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया, कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। ये दो बात कितने लोग को समझ में आई, दिमाग में कितने लोग के बैठ गई, बताओ यार रिस्पॉन्स करो तुम लोग। एक बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी सब क्या, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिया कशिश नाराज हो गई है, बोलती ही नहीं है अब। चलो तो अब हम बात करते हैं, देखिए सेमीकंडक्टर वाली बात जो हम करेंगे ना बहुत ही अच्छे लेवल से, हम बहुत ही डीप में देखेंगे सेमीकंडक्टर नाम के चैप्टर में। अभी हम यहाँ पे पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ कंडक्टर नाम के चैप्टर को हम देखना चाह रहे हैं। तो आइए हम कंडक्टर नाम के चैप्टर को अगर हम देखना चाह रहे हैं तो एक चीज करते हैं कि हमें देखेंगे कैसे डिपेंडेंट करता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। तो उसके लिए देखिए बेसिक मैं पैरेंट फॉर्मूला दे रहा हूँ कि क्या हुआ था कि जैसे ही देखिए बढ़ने के तो बहुत सारे रीजन है, पर हम बेसिक रीजन बता रहे हैं कि पहले क्या क्या होता है। जब भी हम आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, कंडक्टर की बात करूं, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहां से अब कंडक्टर की बात होगी, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, कैसे बढ़ेगा उसको एक फार्मूले के साथ एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया कि dr अपॉन जो r होगा, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन r होगा, जो टाइम के साथ फ्रैक्शनल चेंज इन r जो होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। फ्रैक्शनल चेंज इन r विद टेम्परेचर, टाइमिंग विद टेम्परेचर is equal to किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। एक पैरेंट फार्मूला है, हमको यहाँ पे इस चीज को याद रखना है। तो dr upon r is equal to होता है अल्फा t। किसी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है? थर्मोडायनेमिक्स में जो अल्फा होता है वो होता है डेल्टा l upon l upon time, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन l इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो होता है वही अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को डिफाइन करते टाइम ये बताएगा, रेजिस्टेंस के में टेम्परेचर का वेरिएशन डिफाइन करते टाइम बताएगा कि जो फ्रैक्शनल चेंज इन आर होगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो अल्फा के बराबर होगा। तो हमको ये वाला फार्मूला जो है याद रखना है, पहली बात है रिमेम्बर करना है, खासकर जो जेई का एग्जाम देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ से हम एक रिजल्ट को निकालेंगे और उसी से हम क्वेश्चंस को करेंगे, पर उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके लिमिटेशन को भी देखेंगे। तो dr upon r जो है, पहले मुझे अगर r निकालना हो, ठीक है, एक तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो मुझे अगर r निकालना हो, r फाइनल निकालना हो तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है ना आपको, तो इंटीग्रेट करिए, dr upon r is equal to
इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा वही डी टी मान लीजिए अल्फा डी टी विद टाइम के साथ वाला, ठीक है, टाइम के साथ कितना चेंज हुआ है, टेम्परेचर के साथ कितना चेंज हुआ, ये है मेरे कहने का मतलब। तो अब थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिएगा एक बात, वन बाई इंटीग्रेशन कौन कर लेगा, वन बाई आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा और अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन कौन इंटीग्रेशन जानता है, जबकि मैं इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ फिजिक्स वालों को भी पहले ही। बताइए भाई, भाई बताओ वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग आर होगा, विकास भाई ने बहुत, हाँ बहुत सही बोला। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं भाई, प्रिया क्या कर रही हो तुम, पढ़ने का मन नहीं है? एक मिनट, एल एन आर ये होगा, होगा ना, इसका लिमिट मैंने रख दिया आर इनिशियल से लेके आर फाइनल, और आर इनिशियल पे टाइम मान लीजिए टी नॉट था और एक कोई टी टाइम जनरल टाइम था, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर टी नॉट था और यहाँ पे जनरल टेम्परेचर था, दिस इज आर इनिशियल आर फाइनल, दिस इज वॉट अल्फा। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, अगर अल्फा कॉन्स्टेंट है, अगर अल्फा कॉन्स्टेंट है तो हम इसे बाहर ला सकते हैं, लेकिन अगर अल्फा जैसे जे एडवांस के क्वेश्चन में देता है अल्फा वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, अल्फा क्या करता है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, तब हम इसको बाहर नहीं लेके आ पाएंगे, तब हमें इसी फार्मूले से ही करना पड़ेगा, तब हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा, जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं ना वहां वो रिजल्ट नहीं लगेगा उसमें, अगर आप रिजल्ट लगा दिए तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो हम ये अजम्पशन मान रहे हैं जो कि जनरली होता है, हमने अज्यूम किया है कि अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो अल्फा, और बताइए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, टी होगा, टी नॉट से लेके टी फाइनल तक, किसी टाइम टी तक हो गया। अब इसको लिख लूं मैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इसके आगे लगा दीजिए ln, सॉरी ln आर फाइनल, ln आर फाइनल माइनस ln आर इनिशियल, बराबर क्या होगा अल्फा टी माइनस टी नॉट, किसी को दिक्कत हो तो बताइए, ln आर फाइनल अपन आर इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा टी माइनस टी नॉट। एक यहाँ तक इसको समझ में आ गया भाई, जिसको आ गया बताओ, अभिषेक विकास प्रिया समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ln rf upon r initial is equal to what, alpha t minus t naught। अब देखिए इसको अगर log हटाना होता तो हम कैसे हटाते हैं, मैंने log वाले चैप्टर में आपको बताया था एक्सपोनेंशियल के पावर में करके, कशिश तो तुम लोग तो सारे लोग थे ना जब मैं लॉग बताया था, तो yes, sir. T के पावर अल्फा टी माइनस डेल्टा टी, यहाँ तक सबको समझ में आया, तो मैं लिख सकता हूँ ना आर फाइनल इज इक्वल टू क्या, आर इनिशियल टी के पावर अल्फा टी माइनस डेल्टा टी, यहाँ तक लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, अब टी माइनस डेल्टा टी माइनस टी नॉट को लोग कहते हैं डेल्टा टी, क्या कहते हैं डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो आप यहाँ से लिख दीजिए आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल e के पावर अल्फा डेल्टा टी, किसी को दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे एक और अजम्पशन लूंगा, मैं एक और अजम्पशन लूंगा, और वो अजम्पशन क्या है देखना ध्यान से, मैथ्स वालों को तो पता ही होगा, वैसे तो सब मैथ्स के ही हैं, e के पावर x का थोड़ा मुझे एक्सपेंशन बताना, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री, ऐसे कुछ करके होता है, पढ़ा होगा मैथ्स वालों ने, कितने लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो याद रख लो, जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से बताऊंगा एक्सपेंशन, ठीक है, और ये समझ में आ गया। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर x बहुत छोटा हो ना, बहुत छोटा हो एक से, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, और बहुत छोटा हो जाता है एक से, एक्स क्यू तो और छोटा हो जाता है, जैसे ध्यान दो अगर मैं कहूँ वन बाई थाउजेंड है, इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा 10^-6, कितना छोटा है वन से, है ना, इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा 10^-9, ये और छोटा आ गया, तो बाकी सबको हम नगण्य मान लेते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम इन सबको नगण्य मान लेते हैं और बोल देते हैं e के पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर अल्फा डेल्टा टी छोटा हुआ एक से बहुत ज्यादा, ये भी मैं, ये मेरा दूसरा अजम्पशन है, ध्यान से देखना, तो मैं बोल दूंगा r फाइनल इज इक्वल टू r इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी,
क्योंकि 1 plus x बोल दूंगा ना, e के पावर x को 1 plus x कह दूंगा, x के जगह क्या है 1 plus alpha delta t है, तो ये फार्मूला हम रट लेंगे और हम हमें रटना भी है और आपने रटा भी होगा, लेकिन इसके दो बड़े बड़े assumptions हैं, दो बड़े बड़े assumptions हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे, आइए लिखते हैं मेरे साथ, आप लोग बोलिए, r final is equal to r initial 1 plus alpha delta t, इस ये फार्मूला हम लगा सकते हैं ना, इसके दो 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 बड़े बड़े assumptions क्या हैं ये बताइए, बताओ विकास, पहला assumption हमने क्या माना था, alpha constant होना चाहिए, और दूसरा लेकिन कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है ना, ऐसा भी देखा है कि क्वेश्चन में वो लोग क्या करते हैं ना, अल्फा डेल्टा टी मान लो थोड़ा सा भी कम रहता है एक से ना, तो भी फार्मूला लगवा देते हैं, तो हमें क्वेश्चन हमें आंसर से पता चलेगा कि कौन से फार्मूले से लगवा रहे हैं, ये आर बराबर मतलब आर फाइनल बराबर आर इनिशियल ई के पावर अल्फा डेल्टा टी चाह रहे हैं हमसे लगवाना, या फिर आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लगवाना चाह रहे हैं, हमें दोनों बात अच्छे से आनी चाहिए, और पता है लेकिन कभी कभी इशू होता है ना, पहली बात अगर अल्फा डेल्टा टी एक से बड़ा होगा तो ये फार्मूला तो कतई नहीं लगाएंगे, अगर एक से थोड़ा सा छोटा हुआ तो सोचेंगे, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो इससे ही आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन इस पे बेस पे होगा ना तो भी हम लगा देंगे, तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, कितने लोग हैं जो मेरी बातों को समझ गए हैं, भावनाओं को समझ गए हैं, बताओ भाई, चार लोग हैं, चारों लोग में से अभी से एक भाई बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, जीरो लेवल से उठाया हूँ, गुड, अब चलिए एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है इज 100 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस 100 ओम है, फाइंड करना है आपको, फाइंड द टेम्परेचर एट विच इट्स रेजिस्टेंस will be 100.2 ओम, अल्फा दे दिया है 10^-4°C। अच्छा मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाऊंगा, लेकिन चाहे मेंस के क्वेश्चन हो या किसी भी के भी क्वेश्चन हो आराम से लग जाएंगे, जो बच्चा रेगुलर रहेगा और मेरे नोट्स को रिवाइज करेगा, बहुत ही सिंपल वे में रहेगा, चाहे इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, बस आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बस आपसे 100% क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, भले मैं सिंपल ले जा रहा हूं पर देखना अभी हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी करेंगे, तुम्हें लगेगा वाह बहुत सही सर बहुत सही, चीजों को सिंपल रखना है अपने को, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखना है, हाँ लेकिन क्वेश्चन बनने चाहिए प्रीवियस ईयर के, चाहे मेन्स हो या एएमयू हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझे करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन वायर इज 100 ओम, मतलब इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर आर इनिशियल कितना दे दिया है 100 ओम, अगे बोल रहा है कि फाइनल जो है आर फाइनल जो है वो कितना है, तो बताइए टेम्परेचर क्या रहा होगा, और अल्फा की भी वैल्यू दे दी गई है, तो कितना आसान सवाल है, कौन करेगा बताइए, कैसे करूं, पहले तो मैं कंडीशन चेक करूंगा, क्या करूंगा, अल्फा कांस्टेंट है पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, दूसरी कंडीशन क्या थी, यार सब चले गए क्या, छोड़ के क्लास क्लास भाई तुम लोग बोलोगे नहीं तो हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, ये बताओ दूसरी कंडीशन क्या थी, कशिश पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या, नहीं नहीं कर रहा है, नहीं लाइट अच्छा लाइट नहीं आ रही,
तो या तुम्हें पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ, या अगर नहीं सर आंसर लिखिए, आंसर लिखिए सर, आंसर निकाल। अच्छा तुम आंसर वाली हो, हाँ बताओ। 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री ठीक है। हाँ भाई अभिषेक तुम्हें मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ पहले तुम, या तुम्हारे घर पे बात मन कर रहा है तो मन कर रहा है तो रिप्लाई क्यों दे रहे हो यार। नहीं अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना तो मैं माइक डिसेबल कर दूंगा ठीक है, उसके बाद तुम लोग बस चैट में ही बोलना ठीक है। अगर तुम्हें माइक दिया गया है तो उसका सदुपयोग करो, तुमसे मैं बुलवा रहा हूँ कि तुम सीखो तो तुम बोलते ही कम हो। अभी तो प्राइम बैच में 4 बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चे हैं, उसमें भी तुम बोल नहीं रहे हो, क्या ये मसला है यार। कंडीशन कंडीशन क्या होगा ये बताओ, पहला कंडीशन क्या था, अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए, फार्मूला हम लगाते हैं तो सही है। दूसरा कंडीशन बताओ, अल्फा डेल्टा टी लेस देन 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अल्फा कितना है, अल्फा डेल्टा टी, तो हमें दिख रहा है कि अल्फा जो है कितना है 10^-4 है, तो ऑलरेडी 1 से बहुत कम है, और ये जो डेल्टा टी है ना, एक अभी एक बनने के लिए डेल्टा टी को कम से कम 10^4 होना पड़ेगा, उतना टेम्परेचर बढ़ाने पे तो आर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तो बोल रहे हैं आर में फ्रैक्शनल चेंज हुआ है, जब भी आर में अगर पॉइंट में चेंज हो ना तो आंख मोद के फार्मूला लगा देना, जब भी देखना आर में हल्का सा चेंज हुआ है ना, हल्का सा अगर डेसिमल में चेंज हो रहा है तब तो आंख मोद के फार्मूला लगाना ठीक है, और रिजल्ट पक्का आएगा ठीक है। तो और बाद में टी फाइनल अगर निकला तो टी फाइनल निकलेगा ना तो हम आर हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि अच्छा वो एक से कम आ रहा है कि नहीं, अगर एक से कम नहीं आ रहा है तो हम फिर बेसिक्स जाएंगे। तो आओ करते हैं टी फाइनल निकालना है, तो बताओ फार्मूला बताओ विकास अभिषेक जल्दी फार्मूला बोलो। सर विकास क्लास में नहीं है। कोई बात नहीं छोड़ो, अब जाने वाले को तो रोक नहीं सकते ना, तो स्टार्ट करते हैं। अभिषेक तुम फार्मूला बोलो, आर फाइनल कितना है, 100.2, आर इनिशियल कितना है, 100, 1 + 10^-4 डेल्टा टी हमको निकालना है, चलो डेल्टा टी निकालो। पहले मैं इसको ऐसा बोल दूं कि 120 डिग्री सेल्सियस क्या, अरे वो तो डेल्टा टी में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा ना, तो हम बाद में रख देंगे 20 डिग्री सेल्सियस। अभी देखना 1 + α 10^-4 और ये डेल्टा टी में तो दोनों चीज रखना पड़ेगा ना, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये भाग दो क्या आएगा 1.002 आएगा, माइनस 1 आएगा, बराबर 10^-4 डेल्टा टी, तो व्हाट विल बी दिस विल बी 0.002/10^4 इज इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आ गया बोलो, 10^-4 था, 10^4 हो गया, फिर 20 हो गया, डेल्टा टी कितना हो गया 20 हो गया। अब डेल्टा टी को हमको पता है डेल्टा टी क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बराबर 20, तो टी फाइनल क्या आएगा दोस्त 20+t initial, तो ये हो जाएगा 40, सिंपल आंसर। अरे भाई लोग बहुत बड़ा सवाल था क्या, मुझे तो बहुत लल्लू सवाल लगा। हाय कौन कौन क्लास में है, अभिषेक बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। हेलो समझ में आया क्वेश्चन सर, जांच फार्मूला लिखे उसके बाद से नहीं दिख रहा था, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर कुछ भी, स्क्रीन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं फिर से स्क्रीन की शुरू। नहीं सर दिख रहे हैं, स्क्रीन लिख रहा है, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन टू एवरीवन। अच्छा अब ऐसा दिख रहा है ब्लैक ब्लैक बोर्ड, अब दिख रहा ओके ब्लैक बोर्ड यहां के बाद से कुछ समझ में आर फाइनल इक्वल आर इनिशियल, हां अल्फा डेल्टा टी नहीं समझ में आया ठीक है, कुछ नहीं समझना नहीं है, आर फाइनल की वैल्यू उठा के रख दो, आर इनिशियल की वैल्यू उठा के रख दो, 1 + α की वैल्यू रख दो, डेल्टा टी निकाल दो। तो अब हमको निकालना है डेल्टा टी, तो चलिए आपने वैल्यू रख दिया
आपने सारी वैल्यू रख दिया, आप इसको कैलकुलेट करिए। तो कैसे कैलकुलेट करिएगा, 100 से भाग दीजिए इधर और ये बच गया, 100 से भाग दी तो ये बन गया 10, इधर खिसक गया। अब एक को इधर भेज दीजिए तो एक घट गया, ए ऐसा आ गया, आ गया ऐसा। अब क्या किया, अब इसको भी इधर लेके आया तो ये 10^-4 ऊपर गया तो 10^+4 हो गया, 10^+4 हो गया तो सॉल्व किया तो कितना आया, 20 आया डेल्टा टी। अब हम डेल्टा टी को क्या कहते हैं, मतलब क्या फार्मूला में डिफाइन करते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 20, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ टी फाइनल, टी फाइनल इज इक्वल टू 20 प्लस टी नॉट, तो टी फाइनल इज इक्वल टू 40 आंसर, एम आई राइट? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए अभी बेसिक सवाल करते हैं अपन लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है कशिश? सर की स्क्रीन विजुअल है? नहीं। तुम्हें प्रिया विजुअल है? नहीं नहीं सर, तभी से 2 मिनट हो गया लैग कर रहा है। ओके तो मैं फिर से करता हूँ, तो बोलना चाहिए था ना, तुम बोलोगे तभी तो। मुझे लगा मेरा इंटरनेट कनेक्शन खराब है। नहीं ऐसे भी थोड़ी नहीं, तुम्हारा ही हो, मेरा भी हो सकता है। अभी विजिबल है, लिख रहा है यू आर प्रेजेंटिंग टू स्क्रीन एवरीवन, ऐसा कुछ और नॉट? नहीं सर, नहीं लिख रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ,
Okay, everything is fine now. Am I audible and visible? Yes, sir. दिख रहा हूँ क्या? Good. Okay. Yes, sir. अब बताना मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? लिख रहा है you are presenting to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Good, good. एक क्वेश्चन दिख रहा है? वायर रेजिस्टेंस इतना ओम? Yes, sir. Find good, good. तो आप एक क्वेश्चन थोड़ा करो. Sir, solve this. वॉइस नहीं आ रही है. हाँ जी वॉइस नहीं आ रही मेरी वॉइस नहीं आ रही सबको. आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर. या योर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नॉट टू गुड. यस यू आर ऑडिबल प्लीज टेल मी. इस क्वेश्चन को करो. अ वायर हैज रेजिस्टेंस इतना एक 0 डिग्री सेल्सियस और अल्फा की वैल्यू दी गई है. फाइंड द रेजिस्टेंस एट 270 सेल्सियस. हाँ जी सर. बाकी किसी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है. आ रही सर. ओके प्रिया तुम एक बार म्यूट करो मुझे फिर अनम्यूट करो. मतलब खुद म्यूट और अनम्यूट करो. तुम्हारे तरफ से इशू है. हाँ कशिश बताओ एक क्वेश्चन कितने लोग लगा लिए? सर अभी तो देखा है. ओके ओके सर. हाँ जी वो डिग्री सेल्सियस में है ना 273. हाँ हाँ डिग्री. हाँ जी हाँ 273 डिग्री सेल्सियस. हेलो किसी ने क्वेश्चन सॉल्व करा है वाला? यस सर 20 ओम. बताओ टेन सर 20 ओम. और एक आशीष ने आंसर बताया. हाँ तो और टेन तुम्हारा कितना आ रहा है? सॉरी ये प्रिया ने आंसर बताया. आशीष तुम अपना आंसर बताओ. सर 10 आ रहा है. 10 आ रहा है बस. हाँ आप बताओ भाई क्या नाम है? अभिषेक भाई आप आंसर बताओ. हुआ नहीं है सर अभी हो नहीं रहा. अच्छा हो नहीं रहा. अच्छा थोड़ा पता है कशिश क्या नाम है? एक चीज देखना अभिषेक भाई. पहला हम कंडीशन सोचते हैं अल्फा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. मतलब यहाँ पे भी अल्फा कांस्टेंट दिख रहा है लेकिन अल्फा टी क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए. यहाँ पे अल्फा टी करिएगा. हाँ अल्फा क्या है? 1273 है. और टी कितना है? 0 × 273. 0 में से 273 करिएगा घटाइएगा तो वही आएगा 273 आएगा. तो इसका मतलब अल्फा टी आ गया 1. अब अल्फा टी 1 आ गया तो फार्मूला हो गया फेल. तो हमें बेसिस करना पड़ेगा. आर फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा? आर इनिशियल 10 के पावर n के पावर कितना? सॉरी e के पावर कितना? हेलो e के पावर अल्फा डेल्टा टी. हां जी सर 20 आ रहा है. आज 20 आ रहा है. कोई नहीं देखते हैं r फाइनल की वैल्यू चाहिए. r इनिशियल कितना है? r इनिशियल 10 ओम है. e के पावर अल्फा डेल्टा टी कितना है? 1 है. तो आंसर आया 10 ओम.
आंसर आया 10 ई ओम. ठीक है, समझ में आया आपको? अगर कभी कभी अगर मान लीजिए ई के वैल्यू ई के फॉर्म में नहीं दिया है तो मतलब ई की वैल्यू उसने रख दिया, ई बराबर क्या होता है 2.7, ये होता है ना 2.7, तो आर एफ कितना आएगा 10 × 2.7 कितना आया 27 ओम. तो देखिए फार्मूला फेल हो गया ना, जिन्होंने फार्मूला लगाया कितना आया 20 आया, उन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया. अब देखिए आंसर क्या है 27 ओम है, तो आंसर आप गलत करके आ सकते हैं कि नहीं एग्जाम में? यस सर. अभिषेक भाई बताइए, अरे गलत हो सकता है कि नहीं आंसर आपसे? नहीं हो सकता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा. आंख मूंद के ईशा नहीं कि आपको मिल सर आवाज नहीं आ रही. हेलो. हाँ कशिश सर, नहीं एक्चुअली सर का लग रहा लैग कर रहा है बीच में, उनका इंटरनेट कनेक्शन गंदा होगा. मैं सोच रही हूँ मेरा खराब है क्या, चल ही नहीं रहे. ये मेरा 10E आया था लेकिन 20O पता. आपको पता है मैंने गलती कर दिया था एक्चुअली ना, मैंने सारी चीजें सही रखी थी, हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं. 10E की वैल्यू पता ही नहीं थी मतलब ऐसे. आपको पता है मैंने E की वैल्यू ना, E की वैल्यू 2 ले लिया था, हालांकि मुझे नहीं पता था बस मुझे 2 याद आ रहा था आगे, तो मैंने वो रख के कर लिया, पीछे का 0.7 छोड़ दिया था. और मैंने बस 2 लिया था, 0.7 छोड़ दिया था. उनका लग रहा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है. कशिश आप एएमयू मतलब अलीगढ़ के पास रहती है कहाँ पे? आप जानते नहीं होंगे, थोड़ा दूर है, मतलब अलीगढ़ से थोड़ा दूर ही रहती हूँ. कहाँ चले गए थे तुम लोग? सर आप चले गए थे. आप चले गए थे. ठीक है, ये ओम्स लॉ पर है, ओम्स लॉ वो वाला लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला वायर हैजर्ड रेजिस्टेंस वाला. मुझे लगा ई की वैल्यू 2 है तो शायद 20 की वैल्यू. वाह वाह, ठीक है चलो ओम्स लॉ पढ़ते हैं. ओम्स लॉ, ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट किए और उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करा. ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करा, उन्होंने ये देखा. देखिए क्या देखा उन्होंने, हमें ये बताया कि बहुत सारे उनके एक्सपेरिमेंट थे, बहुत उस पर बहुत सारे क्या कहते हैं पदार्थों पे, सबस्टेंसेस पे उनके एक्सपेरिमेंट का जो वी आई ग्राफ था उन्होंने देखा कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है. क्या आ रहा है? उन्होंने वी और आई के बीच में कर्व बनाना स्टार्ट करा. जस्ट सपोज दैट उन्होंने रियल लिया, एक मटेरियल लिया, उसके अक्रॉस क्या लगाया, बैटरी लगाया और उसका ग्राफ बनाना स्टार्ट किया कि वोल्टेज बढ़ाते हैं. उन्होंने अरेंजमेंट एक ऐसा बनाया कि वोल्टेज क्या करें, वोल्टेज उन्होंने वी से 2 भी रखा होगा, मतलब वोल्टेज बढ़ाते गए तो उन्होंने देखा कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी बढ़ रहा है. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी बढ़ रहा है, करस्पॉन्डिंग करंट भी बढ़ रहा है. तो उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो वोल्टेज होता है और करंट होता है इनके बीच, सॉरी जो वोल्टेज है और जो करंट है इनका क्या है ना, कांस्टेंट है बहुत सारे सबस्टेंसेस में. इनका रेशियो जो है
कॉन्स्टेंट है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे अकॉर्डिंग करंट बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर, क्या बोला, मैं लिख दूं डेफिनेशन, मैं लिखता हूं रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस and current flowing through conductor and current conductor is constant. And current is that known as resistance. ये बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? Yes, तो इनके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है किसी वायर के अक्रॉस वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोपोर्शनलिटी का टच चिन्ह लगाइए। तो हम क्या कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या आएगा, V वाई आएगा, मतलब रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉन्स्टेंट। लेकिन ऐसा देखने को मिला कि सारे मटेरियल में नहीं होता है, सारे मटेरियल में लागू नहीं होता है, कुछ ही मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल में होता है और बहुत सारे में नहीं होता है। जैसे अगर आप कंडक्टर्स की बात करेंगे तो वहां पे लागू होता है, और सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो नहीं लागू होगा। ठीक है, तो जिन पे लागू होता है उनको कहते हैं ओमिक, क्या कहते हैं, ओमिक डिवाइसेस, क्या कहते हैं, इन पे ओम्स लॉ लागू होता है उसको डिवाइसेस कहते हैं, इन पे नहीं लागू होता उसको नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, बराबर आईआर को फॉलो नहीं कर रहा है, वी बराबर आईआर को फॉलो कर रहा है लेकिन किसी एसेंट पे कर रहा है, नहीं है कि वी बढ़ाइए तो आई बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कौन क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायोड, ये ऐसे होता है डायोड का सिंबल, अगर आप इधर से करंट भेजिएगा ना इसमें तो आर बहुत कम होगा, आर बहुत लेस होगा, और यही अगर आप इधर तो आर करंट भेजिए बहुत ज्यादा होगा। तो ये कहां से ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो नहीं, कांस्टेंट नहीं है, समझ में आया, दिस इज अ नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक। सर बट ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यही तो खासियत है डायोड की, डायोड अपने में ही एक मैजिक है, ये समझ में आया, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ओमिक डिवाइस को कि अगर वीआई ग्राफ बनाएं, वीआई ग्राफ आप बनाते हैं, इफ वीआई ग्राफ इज व्हाट, इफ वीआई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देन इट्स विल बी ओमिक डिवाइस, ओमिक डिवाइस, और अगर ऐसा है वीआई ग्राफ जो होगा, ये जो वीआई ग्राफ है अगर स्ट्रेट लाइन है तो ओमिक डिवाइस, क्यों, क्योंकि वी अपन आई इसका स्लोप कैसा, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है,
तो अगर आर कॉन्स्टेंट हो गया तो कैसा होगा ओम, लेकिन अगर यही वी आई का ग्राफ ऐसा कुछ आने लगे ऐसा कुछ आने लगा तो दिस इज नॉर्मल नॉनोमिक। देखिए इसका स्लोप हर जगह बदल रहा है, यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पे स्लोप कुछ और है, दिस इज नॉन ओमिक डिवाइस। इसका भी स्लोप बदल रहा है, यहाँ कुछ और स्लोप है, यहाँ और स्लोप है, यहाँ कुछ और स्लोप है, तो ये भी नॉन ओमिक डिवाइस है। तो ये बात समझ में आया, कितने लोग को क्लियर हुआ? Yes. बताया माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, मान लीजिए ये क्या है, एक कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है। कंडक्टिविटी क्या होता है? 1/ रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है? 1/ रेजिस्टिविटी होता है। इसमें जो करंट वैरी है वो आई वैरी है। ठीक है, तो अगर हमको माइक्रोस्कोपिक लॉ में देखें तो मैं बोलूंगा वी वाई और क्या होता है आई आर। इसमें किसी को दिक्कत तो बताओ इस फार्मूले में, वी बराबर आई आर। इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आई को क्या लिख दें, आई रहने दे, आर को रो एल बाय ए लिख सकता हूँ। यस सर। चला गया अभिषेक भी, चला गया क्या है? तो अभिषेक तुम रिस्पॉन्ड करो। कर रहे हैं सर। ठीक है, वी बाय एल, वी बाय एल। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एल V by L इसको कर दूं, इसको क्या कर दूं I कर दूं, और इसको रो by A कर दूं, सॉरी इसको रो कर दूं, इसको I by A कर दूं, तो I by A को हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? J बराबर क्या होता है? करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, I by A, इसको J लिख दूं, और इसको क्या लिखते हैं? V by A को क्या लिखते हैं? E लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, सॉरी वी वाई एल, नहीं नहीं एल नहीं है, ए नहीं है, एल है, एल है। वी वाई एल जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे एल होगा, हमने गलती से लिख दिया है ए। आप समझ में आया? वी वाई एल को आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको लिख लीजिए जे। तो E जो होता है Z इंटू रो के बराबर होता है। क्या होता है? दिस इज सिंपल, वेक्टर दोनों भी वेक्टर है और E भी वेक्टर है, तो हम वेक्टर E बराबर रो वेक्टर J लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, करंट जो स्केलर है, I क्या है? स्केलर है, कंफ्यूज मत होना, और लेकिन J जो है वेक्टर है। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या हो गई? इतना हो गया। तो ये फार्मूला जो है ना, हाँ जी बैक वाली स्लाइड ला दीजिए। क्या दिक्कत है बताइए? एक्चुअली मैंने नोट नहीं किया, नोट कर लीजिए। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये फार्मूला। अब यहाँ से जो फार्मूला आएगा, रो को हम 1/ सिग्मा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए सिग्मा टू
इज इक्वल टू जे, तो यहाँ से जो फार्मूला आएगा जे बराबर सिग्मा ई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दिस इज इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये क्लियर है सबको, दिस इज क्लियर और नॉट, 100% क्लियर है ये फार्मूला, रटे रहना। क्या होगा जे और ई में जब भी रिलेशन पूछेगा तो हम डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, इसी भी इसी के बिहार पे क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, आपको कंपेयर This is current I. Cross section area 1 है, this is cross section area 2 है. Question जो है, अब क्वांटिटी क्या क्या है तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे तो एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगी उसका नाम दे दिया गया है J1, इसका नाम दे दिया गया है J2, इसको कह दिया गया E1 E2, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है तुमको, VD1 और VD2। चलो बताओ, कंपेयर करके बताओ कि किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, जैसे मैं एरिया को कंपेयर करूं, मुझे दिख रहा है कि यहाँ छोटा एरिया है यहाँ बड़ा एरिया, तो E2 ग्रेटर देन A1, इसी तरीके से बाकी सब, तो तुम कंपेयर करके मुझे ये बताओ। इतने लोगों को आया समझ में, नहीं आया ना सर, आ गया, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, अब इसे एक बताओ, इन दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है ये बताओ, A2 ज्यादा है कि A1 ज्यादा है? A2 का, क्योंकि देख रहे हो एरिया मोटा है ना, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। जे बराबर क्या होता है, अब देखो करंट आई बह रही है इसमें, यहाँ से आई जाएगी और आई ही निकलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि जितनी करंट जाती, तुम अभी खेत में पानी चलाते होगे तो पाइप में जितना पानी जाता है उतना ही निकलता है, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ऐसा नहीं है कि पाइप मतलब पाइप में पानी तुम भेजे 10 किलो और निकल गया 15 किलो, ऐसा थोड़ी ऐसा होता है क्या? नो सर। अरे जितना पाइप में जितना पानी जाता है उतना ही निकलता है, तो उसी तरीके से ऐसा है कि जे बराबर क्या होता है, जे बराबर पहले बताओ क्या होता है, आई बाई ए, है ना, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, एरिया ज्यादा मतलब जे कम, क्योंकि इनवर्सली है ना, हाँ रुक जाओ मिला लेना, अगर एरिया ज्यादा तो जे कम और जे कम तो एरिया ज्यादा, तो कहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे A2 वाला एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब इसका जे जो होगा कम होगा, तो इधर चिन्ह लगेगा। अब E1 और E2 का फार्मूला कैसे निकलता है तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है कि J बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू E, अब सिग्मा तो कांस्टेंट है, जिसका J ज्यादा है उसका E ज्यादा, तो जिसका J1 का J ज्यादा है तो इसका भी E ज्यादा होगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, I बराबर एन ई ए वी डी, अब देखो जिसका A ज्यादा उसका देखो वी डी क्या हो जाएगा, 1/NEA, मतलब जिसका VD ज्यादा उसका एरिया कम, मतलब जिसका एरिया ज्यादा उसका VD कम, जिसका एरिया कम उसका VD ज्यादा, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका VD कम,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, देखो प्रोपोर्शनल होता है तो अगर ए मान लो अगर बी प्रोपोर्शनल टू ए होता तो ए ज्यादा तो बी भी ज्यादा, लेकिन अगर यही इनवर्सली हो गया बी प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए हो गया तो ए ज्यादा तो बी कम, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया जिसका ज्यादा है उसका कम होगा, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। नहीं सच में बोलो, सही बोलो, ऐसा क्या मत जबरदस्ती नहीं बोलना, सही बोलना। हाँ क्या हो तो नहीं सर जबरदस्ती, सबको समझ में आ गया ना। यस यस सर। ठीक है आओ अगला पढ़ते हैं। अब देखो कब कोई सी एनर्जी एंड पावर जो कंजम्पशन होता है और सप्लाइड बाय डिवाइस, एनर्जी एंड पावर कंज्यूम्ड और सप्लाइड बाय डिवाइस। देखो कोई भी डिवाइस है ना वो कब एनर्जी कंज्यूम करेगी और कब एनर्जी सप्लाई करेगी, थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। मान लो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, एक डिवाइस था इसका ये वाला टर्मिनल हाई वोल्टेज पे था, एक लो वोल्टेज पे था। इसका ये वाला जो टर्मिनल है हाई वोल्टेज ए लो वोल्टेज पे और ए हाई वोल्टेज पे, अगर करंट हाई वोल्टेज में आए और लो वोल्टेज की तरफ निकल जाए तो यहाँ पे पावर कंज्यूम होगा, क्या होगा क्या होगा, पावर कंज्यूम होगा। अब जो रेजिस्टेंस होता है ना हमेशा कंज्यूमर होता है, लोड होता है, इसको हम पावर कंज्यूमर को लोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं लोड भी कहते हैं ठीक है। जैसे ये आएगा तो हाई पोटेंशियल एनर्जी लेके आएगा, कोई चार्ज यहाँ आया तो हाई पोटेंशियल एनर्जी लेके आया क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है, और जब निकला तो लो पोटेंशियल एनर्जी लेके निकल गया, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूम, मतलब ये क्या कर रहा है कंज्यूम, मतलब कंज्यूम कर रहा है पावर, कंज्यूम कर रहा है। और अगर मुझे पावर कभी भी कैलकुलेट करना होगा, पहले अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना होगा तो मैं लिखूंगा Q इंटू वी हाई माइनस वी लो, ठीक है। वर्क डन बाय डिवाइस कितना हुआ वी हाई माइनस वी लो, और अगर मुझे पावर निकालना होगा तो मैं बोलूंगा पावर बराबर होता है वी आई। हाँ जी सर एक बार समझा दो। देखो कंज्यूम क्या होगा, कंज्यूम करने के बाद देखो जो चार्ज करते हो, जब तुम अपने फोन के बैटरी को चार्ज करते हो तो कंज्यूम करता है पावर, पावर क्या करता है कंज्यूम करता है, वो हाई वोल्टेज से आता है, हाई वोल्टेज से आता है। लेकिन अगर मान लो तुम अपने एक बैटरी लगा के तुम बल्ब जला रही हो तो पावर क्या कर रहा है, वो कंज्यूमर का काम नहीं कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है, तो सोर्स का काम कर रहा है। तुम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ पावर करंट भिजवा रही हो, समझ में आया। और अगर 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 लो वोल्टेज में कंडेंट आए तो इसका मतलब क्या है, लो वोल्टेज में आए और हाई वोल्टेज से निकल जाए, लो वोल्टेज में आए और हाई वोल्टेज से निकल जाए, तो दैट्स कॉल्ड व्हाट सोर्स। जैसे बैटरी देखा होगा तुमने, अब जो अपनी बैटरी है ना वो सोर्स के जैसा भी काम कर सकती है और इसके जैसा भी काम कर सकती है, लोड के जैसा भी काम कर सकती है, लोड मतलब जो पावर कंज्यूम करे, इससे रेजिस्टेंस हमेशा लोड के जैसा काम करता है। और बैटरी मतलब बैटरी में क्या हो सकता है, लोड भी, लोड जैसा भी वो काम कर सकता है और सोर्स के जैसा भी काम कर सकता है। मतलब जैसे फोन की बैटरी को तुम चार्ज कर रही हो उसको किसी बड़े किसी हाई वोल्टेज से तुमने जोड़ रखा है तो क्या करेगा, करंट देगा थोड़ी ना, वो करंट लेगा, तो चार्ज होगा तो उसको हम उस टाइम पे कहेंगे लोड,
और अगर तुमने उसी बैटरी को किसी सर्किट में जोड़ रखा है, बल्ब जला रही हो, तो उसको कहेंगे सोर्स। समझ में आया? और जो पावर होता है हमेशा वी इंटू आई के बराबर होता है, चाहे लोड हो या सोर्स हो। हाँ, बस डायरेक्शन में फर्क होता है कि कब पॉजिटिव होगा। अगर पावर, जैसे मान लो मैं पावर कंज्यूम कर रहा हूँ और पूछूं कि पावर कंजम्पशन ऑफ बैटरी कितना है, तो तुम क्या कहोगी कि वी आई है। अगर मैं कहूँ पावर डिलीवर्ड ऑफ बैटरी कितना है, तो बोलोगी माइनस वी आई है। समझ में आया ना? ठीक है, तो लैंग्वेज पकड़ना। अगर मैं मान लो कोई बैटरी चार्ज है और मैं कहूँ कि इसका पावर डिलीवर कितना है, तो तुम कहोगी माइनस वी आई, क्योंकि पावर डिलीवर थोड़ी ना कर रहा है। अगर मैं कहूँ कोई बैटरी सर्किट में लगा हुआ है और दूसरों को चार्ज दे रहा है, एक बल्ब को जला रहा है, और मैं उससे पूछूं पावर कंजम्पशन कितना है, तो वहां पे कंजम्प थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो डिलीवर कर रहा है, तो हम फिर वहां माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो देख लेना कि कब सोर्स का काम कर रहा है और कब इसका काम कर रहा है, लोड का काम कर रहा है। ठीक है, अब देख पी बराबर वी आई को कई कई तरीकों में बदल देते हैं। ऐसे फार्मूला हम पढ़ते हैं, पी बराबर वी इंटू आई। अब वी बराबर क्या लिख देते हैं, आई आर लिख, वी बराबर क्या लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो, तो लिख दो आई स्क्वायर आर बिस्कट चुकी। ये समझ में आया? आर बराबर वी बाई आई लिख सकते हो, तो यहाँ पे पुट कर दो पी बराबर वी इंटू वी बराबर वी आई, सॉरी आई इंटू वी बाई आर लिख सकते हो। तो V स्क्वायर बाई आर हो गया, तो हमें याद होना चाहिए पावर बराबर आई स्क्वायर आर, पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्लियर? एम आई राइट? अभिषेक है? अभिषेक समझ में आया कब लोड जैसे काम करेगा, कब कैसा काम करेगा? ठीक है, यस सर। दो घंटा होने जा रहा है, चलो एक चीज और हम कल देखेंगे, बैटरी डाल दें, बैटरी कल देखेंगे, उसके बाद हम ना अपने मेन टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कल बैटरी पढ़ेंगे, बैटरी में हम तीन चीज पढ़ेंगे, पहला चीज ईएमएफ क्या कहलाता है, दूसरा चीज इंटरनल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तीसरा चीज जो होता है कि कितना बैटरी, मतलब मैक्सिमम कितना पावर डिलीवर कर सकती है, ठीक है, या कितना करंट दे सकती हो, कितने एमएच की फोन की बैटरी है तुम्हारी, ये क्या होता है एमएच। अरे किसी की फोन की बैटरी सुनोगे ना, 4000 एमएच की होती है, 5000 एमएच की होती है, सुने होगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे, फिर अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करें, देखो 11 बजने जा रहा है, लंबा क्लास हो गया, खत्म करें अभिषेक? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो गुड, नाइस, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड आई विल सेंड यू द डीपी। और हम मैथ्स अभी आते हैं, आधे घंटे में आते हैं, हाँ 11:30 बजे आते हैं। Okay, bye.